अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु का सेकेंड फ्राइडे का कलेक्शन सामने आ चुका है। ये फिल्म ट्यूजडे को रिलीज हुई थी और उसके हिसाब से इस फिल्म का जो पहला वीकेंड ही था वो करीबन 6 दिन का था और मंडे जाकर इसका पहला वीक खत्म हुआ था। और अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो इसके सेकेंड वीकेंड की बात करने वाला हूँ, क्योंकि सेकेंड फ्राइडे यानी कल के दिन क्या कलेक्शन हुआ वो मैं बताना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ आपको ये बता दूँ कि इस फ्राइडे को फोन बूथ, डबल एक्सएल, मिली और ना जाने कई सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से मैंने 2 फिल्में देखी, फोन बूथ और बनारस, और बाकी फिल्में मुझे देखनी है। तो यहाँ पर जो पहले वीक तक का कलेक्शन अगर लॉजिकली बात करें, जो मैंने आपको बताया है बार बार, मैं पहले 6 दिन का बताता हूँ, फिर पूरा जो वीकेंड खत्म हो रहा है वो 10 दिन का वीक है, आई मीन पूरा वीक जो खत्म हो रहा है वो 10 दिन का, क्योंकि फिल्म ट्यूजडे को रिलीज हुई वो बताऊंगा, उसके बाद सेकेंड वीक के फ्राइडे को यानी कल कितना कलेक्शन हुआ। तो पहले 6 दिनों में जो संडे तक का था ट्यूजडे से वहां तक कलेक्शन हुआ 56 करोड़ 56 करोड़। फिर कलेक्शन जो हुआ मंडे को 3 करोड़ 3 करोड़, ट्यूजडे को 2.50 करोड़ और वेडनेसडे को 2.25 करोड़, और जो थर्सडे का दिन था कलेक्शंस हुआ 1.90 करोड़। टोटल कलेक्शंस पहले पूरे वीक का जो 10 दिन का था 65.65 करोड़ हुआ, 65 करोड़ 65 लाख। अब सेकेंड फ्राइडे को जहां पे इसकी स्क्रीन्स मान लीजिए 1000 से 1200 से ज्यादा बिल्कुल नहीं होगी, उस दिन यानी कल के दिन कलेक्शंस इसका 95 लाख के आसपास बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लमसम 1 करोड़ से कलेक्शंस किया है, 95 लाख का ये जो कलेक्शंस है, इस लॉजिक के हिसाब से अगर हम चले तो इस फिल्म ने जो टोटल कमाई कर ली है 11 दिनों तक, क्योंकि कल फ्राइडे था कल 11वां दिन था इसका, वो हुआ है 66.60 करोड़ 66 करोड़ 60 लाख। एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा मैं कि आज का दिन है शनिवार और कल का है दिन है संडे, तो ये 2 दिन ये फिल्म और बेहतरीन तरह से कमाई कर सकेगी और जो उसका कलेक्शंस होगा उस पर डिपेंड करेगा इसका लाइफ टाइम कहाँ तक जाएगा, लेकिन फिलहाल ये आभास हो रहा है कि ये लाइफ टाइम 75 करोड़ के आसपास जाकर थमसा जाएगा या उसके आसपास जाके थोड़ा ऊपर जाके रुकेगा, अदरवाइज ये जो कि एक अच्छी बात होगी। वहीं दूसरी फिल्म जो रिलीज हुई थी इसे थैंक गॉड वो 32-33 करोड़ के आसपास ही भटक रही, तो उस हिसाब से लॉजिकली बात करें तो इसने उसे लगभग दुगना कमाई कर लिया है और बेहतर चल रही है। लेकिन हाँ, ये जो उम्मीद हमने पाली रखी थी इस फिल्म से 100 करोड़ की, उसमें इस फिल्म ने पानी फेर दिया है। और एक और चीज़ मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि राम सेतु एक बढ़िया फिल्म होकर भी क्यों नहीं चल पाई, ये आंसर्स मुझे ढूंढने में काफ़ी टाइम लगेगा, बट मेरा एक ऐसा मुझे लगता है मानना, और वो सही भी होगा, वो ये है कि जब तक कुछ हमें याद नहीं रहता तब तक कुछ मतलब नहीं है। मैं बताता हूं उसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं। जब हम कोई फिल्म देखने जाते हैं ना तो हम वहां से कुछ लेकर वापस आते हैं, चाहे वो गाना हो, चाहे वो डायलॉग्स हो, चाहे वो एक्टिंग हो, कुछ ना कुछ चीज़ हम लेकर आते हैं, वो दिनों दिन हमारे दिमाग में घूमती रहती है, दिनों दिन, महीनों महीने, हफ्ते हफ्ते दिन में दिमाग में घूमता, अरे क्या एक्टिंग थी, अरे क्या परफॉर्मेंस थी, अरे क्या एक्शंस था, अरे क्या गाने थे, अरे क्या इमोशंस था, याद उलाई दिया पिक्चर ने। तो ये जो सब भावनाएं हैं ये फिल्म देखने के बाद कम आती है आजकल। मैं सिर्फ राम सेतु की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी फिल्मों की भी बात कर रहा हूँ। और कोई भी फिल्म तब तक आपको पसंद नहीं आती जब तक उसमें इमोशंस का जो फील है वो कम ज़्यादा नहीं होता है। तो इमोशंस भर भर के रखना, ज़्यादा भी नहीं बट स्टिल इमोशंस एक पार्ट है, उसको आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरह से जब तक पेश नहीं करेंगे तो ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा। आज कंतारा जो कन्नड़ा की फिल्म है उसे इतना लोग प्यार इज्जत और इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो टच करती है और बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच के साथ फिल्म बनी है। बहुत खास आपको स्टार्टिंग में नहीं लगेगा मैं मानता हूँ, लेकिन फिल्म जो है एंड बहुत स्ट्रांगली लेती है। तो राम सेतु या फिर जितनी भी बॉलीवुड फिल्में हैं, मेक श्योर कि आप इमोशंस चीज़ों को भी डालें और फिल्म को बांधे रखें, ऑडियंस को बांधे रखें। आजकल की फिल्म ऑडियंस को बांधे नहीं रख पा रही, जब ऑडियंस को थिएटर में आप बांधे नहीं रख पाओगे, थिएटर आने में मजबूरी नहीं कर पाओगे,
तो यार वो ऑडियंस क्या आपकी फिल्मों को याद रखेगी, तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी और मेमोरेबल चीज़ें बनानी पड़ेगी, क्योंकि प्यार अगर मेमोरेबल नहीं है तो प्यार आप भूल जाओगे, सेम वैसी फिल्में हैं।